नाउ वी डिस्कस ऑन न्यूमेरिकल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. देखें आप, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉर द रिएक्शन इज 9.6 किलो जूल पर मोल. प्रिपेयर एन एक्टिवेशन एनर्जी प्लॉट इफ डेल्टा इज नॉट फॉर दिस रिएक्शन इज -200 किलो जूल पर मोल. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन आपको दिया गया है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी दिया गया है यहाँ. इट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 9.6 आपका है. और एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच नॉट की वैल्यू जो है वो -200 किलो जूल पर मोल है. कह रहा है कि आप प्रिपेयर एन एक्टिवेशन एनर्जी प्लॉट. एक्टिवेशन एनर्जी प्लॉट को प्रिपेयर करना है आपको, रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले आप जानेंगे क्या कि रिएक्शन कैसा है. एक्सोथर्मिक है क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है. तो आइए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम लोग बनाते हैं. ये देखें आप बढ़िया से देख लीजिए. ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं. ये आपका रिएक्टेंट है, टेंशन स्टेट बनेगा, फिर ये प्रोडक्ट में चेंज करेगा. यहाँ क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ईएफ होता है. और यहाँ ईएफ की वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है 9.6, ये दिया हुआ है. और डेल्टा एच आपका यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस होता है वही डेल्टा एच होता है, एंथैल्पी चेंज होता है. और इसके वैल्यू जो दिया गया है वो -200 किलो जूल पर मोल है. और ये रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा ये, तो ये होगा रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट. इट मींस रिवर्स डायरेक्शन के लिए ये है एक्टिवेशन एनर्जी. और यही आपको कैलकुलेट करना है. तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखें, इट मींस ये एरिया, ये देख रहे ना यहां से यहां तक, और ये देख रहे आप, दोनों को ऐड कर दें तो ये आ गया आपका, यही आपका रिवर्स रिएक्शंस का एक्टिवेशन एनर्जी होगा. बट चलें थोड़ा से देखें डेल्टा एच क्या होता है. ई एफ माइनस क्या होगा, ई पी, इतना आपको पता है. अब इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, ये ई एफ की वैल्यू कितनी है, ये. चलिए हम यहीं से आपको कहते हैं कि ई बी इज इक्वल टू निकाल लिया जाए. ई बी इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एफ माइनस, ये माइनस था इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस से जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी. ई एफ की वैल्यू कितनी है 9.6 और इसकी वैल्यू कितनी है -200. तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 209.6 किलो जूल पर मोल. आप अच्छे से देख लीजिए. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे सीरीज में, न्यूमेरिकल सीरीज में, वन टाइप वन कॉन्सेप्ट बेस्ट न्यूमेरिकल जो है, अगर आप मिनी न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होगा. अगर आप मैथ्स ग्रुप से हैं तो जी मेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, जी एडवांस में नहीं होगा. और यदि आप बायो ग्रुप के हैं तो आपको नीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर आप कोई बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं अपना, तो बोर्ड एग्जाम में भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके, हम लोग इस लेक्चर में फिर एक बहुत अच्छे न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करेंगे. फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया गया, रिएक्टेंट है, ये क्या है प्रोडक्ट है, इसका एंथैल्पी है, एंथैल्पी कितना है 20 किलो जूल पर मोल है, प्लस है. रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा कि इंडोथर्मिक, तो रिएक्शन कैसा है इंडोथर्मिक है क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, रिएक्शन आपका इंडोथर्मिक है. द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, ये दिया है 85 किलो जूल पर मोल. कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी आप रिवर्स रिएक्शन, जो रिवर्स रिएक्शन का हमको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है. तो आइए हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से बताते हैं. एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप देख रहे हैं एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है. ये आपका टी एस,
TS जानते हैं आप लोग, ट्रांजिशन स्टेट होता है। यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, अगर आप इधर से चलेंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। यहाँ पर ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है वही क्या है, डेल्टा एच होता है। आपको पता हो गया कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, ई एफ माइनस ई बी। अगर ई एफ में से हम ई बी को घटा दें तो एक डेल्टा एच आ जाएगा, और डेल्टा एच की वैल्यू मालूम है, ई एफ की वैल्यू मालूम है, ई बी आपसे पूछ रहा है। तो आप इसके पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसमें आप पढ़ चुके होंगे। देखें यहाँ तो डेल्टा एच मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ वैल्यू लिख देते आपके लिए, ये है 20 किलो जूल और ये है 85 किलो जूल। और डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, ई एफ माइनस ई बी। अब इसकी वैल्यू कितनी है 20 और इसकी वैल्यू कितनी है 85। आपको निकालना क्या है जी, ई बी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये 85 माइनस क्या हो जाएगा 20, तो कितना आ गया भाई, कितना आ जाएगा 65 किलो जूल। ये यहाँ पे देखें, ये आपका 65 किलो जूल परमोल आ गया। और ये पहले से क्या था, 85 किलो जूल परमोल दिया गया था। तो आप तो नॉर्मली बिना ग्राफ के ही क्वेश्चन लगा सकते हैं, बट रिएक्शन जो क्वेश्चन है वो रिएक्शन के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पर बेस्ड है, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें और न्यूमेरिकल भी आप लगा लें। ऐसे न्यूमेरिकल कई बार नीट में और जी मेंस से पूछे गए। ओके, दैट्स अ लाइट।